सिद्धार्थनगर पुलिस ने संगीन अपराध की योजना बना रहे तीन अपराधी युवकों को पकड़ा है। पकड़े गए अभियुक्त गोंडा जिले के हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे जिलों में भी इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए युवकों के पास से एक रिवॉल्वर, एक 315 बोर का तमंचा व एक चाकू सहित जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाँ सर, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं सर, क्या मामला पूरा, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या बरामद हुआ सर? देखिए, आज बासी थाना क्षेत्र के अंदर महुआ मंदिर के पास से तीन अपराधी चोरी की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस की टीम ने तीन लोगों को पकड़ा, जिनके नाम सुरेश कुमार वर्मा पुत्र रामदयाल निवासी पुरेशवार थाना वजीर रंजन पुत्र गोंडा, दूसरा अपराधी रामबचन उर्फ डाकू पुत्र भगवती प्रसाद थाना धानेपुर जनपद गोंडा और तीसरा अपराधी रामविलास वर्मा पुत्र मंगली प्रसाद वर्मा निवासी मुड़ाडी थाना धानेपुर जनपद गोंडा। ये तीन अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से एक चाकू, एक कट्टा और एक रिवॉल्वर बरामद किए गए हैं और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ में 730 रुपये नकद और एक अदद TVS फेनिक्स मोटरसाइकिल नंबर UP 43AA 2581 बरामद किया गया। बरामद करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक ब्रह्मागौड़, निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, श्री निरीक्षक शशांक कुमार सिंह, उप निरीक्षक बेंगा शुक्ला और उनकी टीम सदस्य मौजूद। देवरिया पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सदर कोतवाली के आवास में एक महिला कांस्टेबल ने फांसी लगा ली। जुलेखा खातून नाम की महिला कांस्टेबल आरक्षी बनखटा थाने में तैनात थी। CCTNS में नियुक्त महिला आरक्षी जो इस जनपद में नियुक्त थी, उसने आज शाम को किसी समय पंखे से दुपट्टे में लटक करके वो लटक गई। पुलिस वालों को जब पता चला तो उन्होंने तत्काल उसको उतरवा कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाया, किंतु वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। यह महिला आरक्षी जनपद गाजीपुर की रहने वाली है। उसके परिवार वालों से संपर्क करके उन्हें अवगत करा दिया गया है और इस संबंध में विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वर्तमान में दिनांक 22 सितंबर से यह महिला आरक्षी 7 दिन के अवकाश पे थी। कर्मचारी बता रहे हैं कि संभवतः अवकाश पे गई भी थी और कल आ गई थी, किंतु ये बात पुष्ट नहीं हो पाई है कि अवकाश पे 22 तारीख को 21 तारीख को उसकी रवानगी थाना बनकटा से हुई है, वो गई थी या नहीं गई थी। आज इस घटना के बाद जानकारी हुई है, इसमें विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोटो में वायरल हुआ था क्या इनका कभी? जी, ये महिला आरक्षी जो लेखा खातून है ये थाना बनकटा में रहते हैं जी। तो फोटो वायरल हुआ था क्या, कोई मतलब कोई वीडियो बनाया था ऐसा? नहीं, इधर तो कोई फोटो नहीं वायरल हुआ था। नहीं, यहाँ उसका सरकारी आवास था। अभी कुछ रीजन कारण पता नहीं चला है, अभी उसका कारण नहीं पता चला है। परिवार वाले आते हैं, उनसे बातचीत के बाद कुछ कारण बताएंगे तो आप लोग फॉलो करें। कमरे में पत्र वगैरह नहीं मिला? नहीं, अभी वो पूरी छानबीन नहीं हो पाई है। ये आपको प्राथमिक रूप से सूचना दे रहे हैं, अगर कोई उसमें डेवलपमेंट होता है, कोई चीज़ होती तो आपको तदनुसार अवगत कराएगा। भिंड जिले में आज खाद्य विभाग द्वारा एक होटल पर छापेमार कार्रवाई कर सैंपल लिए गए। होटल के किचन में खाद्य विभाग को भारी गंदगी मिली, वहीं कुछ सामान एक्सपायरी डेट का भी मिला जिन्हें खाद्य विभाग द्वारा नष्ट करवा दिया गया। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने एक होटल पर छापेमार कार्रवाई की। होटल से पनीर के सैंपल लेकर लैब में जाँच के लिए भेजा गया। इसी को लेकर अधिकारी ने रुकवाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कर सकते हैं, उसके विरुद्ध सील भी कर सकते हैं। अगर वहां पर अपशिष्ट या दूषित खाद्य पदार्थ है और बगैर लाइसेंस के तो उसको सील कर सकते हैं और FIR का भी वर्तमान में प्रावधान है। अगर कोई संवेदनशील मामला है तो उसके विरुद्ध हम FIR भी कर सकते हैं। कई ऐसे होटल हैं भिंड में, बड़े बड़े होटल हैं जिनमें कई अनियमितता है, के की फैक्ट्रियां भिंड में संचालित है और कई चिलर सेंटर है, कई मिल्क आइसक्रीम की फैक्ट्रियां संचालित है। क्या उनके रजिस्ट्रेशन है खाद्य विभाग के पास जो कई संचालित है और बराबर सेल कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके संज्ञान में तो कल ही जिले की दो चिलर कंपनियों के, गोपाल चिलर कंपनी, दूसरा सोनू नागर की चिलर फैक्ट्री में मैंने छापा मारा था। उनका दोनों के निर्धारित मात्रा में लाइसेंस थे, लेकिन फूड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत जो भी एक नियम अनुसार उनको प्रोडक्ट निर्माण करना था उसका उल्लंघन किया जा रहा था। उसका बाकायदा विधिवत प्रकरण बना के लाया है और उसको हम सुधार के प्रयास के धारा 32 के अंदर सुधार के प्रयास करेंगे और अगर उसमें कोई सुधार नहीं मिलता और स्टैंडर्ड माप पे नहीं मिलता तो हम उनके लाइसेंस भी निरस्त कर सकते हैं, फैक्ट्री को भी सील कर सकते।
कई केक की फैक्ट्रियां हैं, आइस की फैक्ट्रियां हैं, क्या उनके लाइसेंस हैं जो बराबर सील कर रहे हैं, जिसमें कई अनियमितता मिलावट पूरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जो भी हमारे संज्ञान में चीजें आएंगी या आप हमारे नॉलेज में लाएंगे, उन सबके विरुद्ध व्यापक अभियान के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, की जाएगी। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये आप जब तक मैं यहाँ पर इस पत्र जिले में हूँ तब तक जारी रहेगा। मेरठ के थाना ब्रह्मपुत्री क्षेत्र में एक युवती को उसकी भाभी और भाई समेत अन्य परिजनों ने पहले तो उसे नशीला पदार्थ खिलाया और उसके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद जब पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत थाना पुलिस से की तो पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे क्षुब्ध होकर आज पीड़ित युवती SSP ऑफिस पहुंचकर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद ब्रह्मपुत्रा पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ थाने ले गई। हालांकि SSP ने इस पूरे मामले में CO ब्रह्मपुत्री को सुनिश्चित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ये ब्रह्मपुरी थाना का प्रकरण है, एक महिला ने अपने भाभी, उसके भाई और अन्य रिश्तेदार और कुछ अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक FIR पंजीकृत कराया था, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी बताया गया है संबंधित जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको कहा गया है कि त्वरित रूप में इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो उसको सुनिश्चित करें। सर यहाँ पे मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है, 377 376 लगी हुई है लड़के पे, मगर ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करी, 7 लोगों के नाम है, एक को भी अरेस्ट नहीं कर रहे हैं लोग। उन्होंने बस वही रोज का कि देख रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन कोई अरेस्टिंग नहीं होगी, जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। सर मेरा है, मेरी भाभी के ऊपर केस है, उसने मतलब पहले मुझे इलझाने की कोशिश करी अपने भाई के साथ, जब मैं नहीं आई तो उसने नशीला पदार्थ देके अपने भाई के साथ मेरी गलत वीडियो बनवाई है, जिससे फिर ब्लैकमेल करने लगे ये लोग मुझे, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया इन लोगों ने, वहाँ पे जाके ड्रामे करके मेरे पति के सामने उन्होंने मुझे डाइवोर्स दे दिया। और सर मतलब पहले 20 लाख की डिमांड करी इसने मुझसे, उसके बाद सीधा 50 लाख मांगने लग गया, मतलब बहुत परेशान करके रखा मुझे, कहीं का नहीं छोड़ा इसने, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और ये लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली दिल्ली, तो मैं दिल्ली भी छोड़ के मेरठ ही आ गई हूँ, अब करो कार्रवाई। हरपालपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मानवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने अनाम गंगा प्रहरी सम्मान समारोह में गंगा प्रहरियों को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में राम आश्रय बिलग्राम मलावा से भाजपा विधायक आशीष सिंह आशू, सवाजपुर विधायक प्रतिनिधि रजनीश त्रिपाठी, नमामि गंगे संयोजक अशोक सिंह उपस्थित रहे। इस बीच अरवल थाना क्षेत्र में मवेशी चराने गई दो लड़कियों की नदी में डूबकर मौत हो गई। दोनों बहनों की मौत की खबर से सदमे में आकर भाई ने मकान के अंदर फांसी लगा ली। इस खबर की सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह रानू ने परिवार को पहुंचकर ढांढस बंधाया।